और भाई लोग क्या हाल चाल हैं आप सभी लोगों के। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। तो भाई लोगों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पेटीएम बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। गाइस, आप लोग पेटीएम बिजनेस अकाउंट से आप लोग अपनी शॉप को लिंक करके आप लोग यहाँ पर QR कोड को अपनी शॉप पर लगा सकते हैं और यहाँ पर आपके कस्टमर उस QR कोड के माध्यम से आपको पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे आप लोग को बेनिफिट मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि पेटीएम बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले प्ले स्टोर पर आइए और यहाँ पर आप लोग टाइप कर दीजिए पेटीएम बिजनेस। गाइस, पेटीएम एप्लीकेशन अलग है और पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन अलग है। तो यहाँ पर आप लोग को पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना होगा। लिंक भी मैं आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके नॉर्मली डाउनलोड कर लेना। इसके बाद गाइस, एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद ओपन कर दीजिए और ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। यहां पे देख सकते हैं आप लोग को राइट साइड में स्वाइप करना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं गेट स्टार्टेड का बटन मिल रहा है, यहाँ क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है लॉग इन सिक्योरली बाय पेटीएम। अगर आप लोग के पास पेटीएम अकाउंट यहाँ पे आपके फ़ोन में इंस्टॉल है और लॉगिन है, तो यहाँ पे लॉग इन सिक्योरली बाय पेटीएम पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे आप लोग लॉग इन बाय फ़ोन नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग अपने फ़ोन नंबर से लॉग इन कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पे पेटीएम बिजनेस अकाउंट बनाने से पहले आप लोग का पेटीएम अकाउंट होना चाहिए। अगर आप लोग के पास पेटीएम अकाउंट नहीं है तो आप लोग जो है पेटीएम बिजनेस अकाउंट नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग पेटीएम अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अगर आप लोग को नहीं पता है कि पेटीएम अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं तो ऑलरेडी उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आप लोग उस वीडियो को देख लेना। गाइस, अभी आप लोग को जो है पेटीएम बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं लॉग इन सिक्योरली बाय पेटीएम पर मैं क्लिक करूँगा और ये हमारे जो है पेटीएम से लॉग इन हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा जो है पेटीएम एप्लीकेशन, जो पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन है, वो यहाँ पे लॉगिन हो चुकी है। अब ये बोल रहा है पेटीएम वॉलेट ऑल UPI पेमेंट्स क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, तो ये आप लोग को फैसिलिटी मिल जाती हैं। गेट योर ऑल इन वन QR कोड यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग का बैंक यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग के पेटीएम में जो बैंक ऐड होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को ये बोल रहा है ऐड ए न्यू बैंक, ऐड ए रेफरल कोड, तो यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिजनेस है, बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस सब कैटेगरी जो मिल जाता है। फर्स्ट में आप लोग को बिजनेस नेम, तो आप लोग का बिजनेस का नाम क्या है वो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। तो मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट, और इसके बाद यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई प्रोफेशनल में यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे ब्यूटी एंड वेयरनेस मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद बिजनेस सब कैटेगरी वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो जिम एंड फिटनेस वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद यहाँ पे आप लोग को नीचे साइड में ये मिल जाता है प्रोसेट का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे अलाउ पे आप लोग क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, और ये देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को वेट करना होगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो कंटिन्यू का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे आप लोग कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे पिन कोड, यहाँ पे ये बोल रहा है प्रोवाइड डिटेल्स टू एक्टिवेट वॉलेट ऑन QR। तो आप लोग का QR कोड होता है, उसको आप लोग को जो है मिलता है आप लोग के एड्रेस पे, तो उसको आप लोग को अपना एड्रेस फिल करना होगा 2052 में। आपका जो भी एरिया कोड है, पिन कोड है, वो आप लोग यहाँ पर डाल देना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एड्रेस, आप लोग अपनी शॉप का जो एड्रेस रहेगा वो आप लोग डाल देना। और यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सिटी और आप लोग की स्टेट आ जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई और आइडेंटिफाई, तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है आधार नंबर, पैन, तो यहाँ पे आप लोग जो है पैन नंबर है या आधार नंबर है वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। तो अभी मैं पैन नंबर से इसको वेरीफाई करूँगा, तो यहाँ पर आप लोग को मिल जाता है पैन का जो नंबर, तो आप लोग को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा बिजनेस टाइप। तो यहाँ पर मैं बिजनेस टाइप जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ प्राइवेट लिमिटेड। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो है यहाँ पे पैन कार्ड का जो नंबर है वो डालना होगा और यहाँ पे आप लोग का आपके जो पैन कार्ड पे जो भी नाम है वो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। तो फटाफट से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिजनेस टाइप में आप लोग को यहाँ पे जो है, अगर आप लोग प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग का जो पैन कार्ड यहाँ पे वैलिड नहीं करेगा। तो आप लोग इसको फर्स्ट को सेलेक्ट करना होगा और आप लोग जैसा सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पैन कार्ड का नंबर और नाम डाल दिया, इसके बाद प्रोसेट का बटन आ रहा है, यहाँ क्लिक कर दीजिए। इसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को मिल रहा है और ऑल, तो आप लोग नेक्स्ट करना होगा, नेक्स्ट करना होगा यहाँ पे और डन कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कर लेता हूँ यहाँ पे। और ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे आ चुका है शॉप का नाम, तो मोनू सन ऑफ प्रवीण सिंह। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अकाउंट नंबर आ गया यहाँ पर।
तो बैंक यहाँ पे आ चुका है। और गाइस यहाँ पे आप लोग का जो यहाँ पे पेटीएम बिजनेस अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे मैं ये देख सकते हैं हमारा जो है क्यूआर कोड भी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है गाइस, तो यहाँ से आप लोग इस क्यूआर कोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टिवेट क्यूआर कोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ क्लिक कीजिए, अलाउ कर दीजिए, और यहाँ से आप लोग अपने क्यूआर कोड को एक्टिवेट कर लीजिए। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप लोग अपने क्यूआर कोड को भी एक्टिवेट कर सकते हैं और आप लोग का क्यूआर कोड यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद गाइस, अगर आप लोग को क्यूआर कोड का जो बोर्ड होता है वो आप लोग को चाहिए प्लास्टिक वाला, जो आप लोगों ने देखे होंगे शॉप पे रखे रहते हैं, तो उस तरीके का आप लोग को चाहिए क्यूआर कोड का बोर्ड, तो आप लोग को यहाँ पे मिलता है क्यूआर साउंड बॉक्स एंड फॉस, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को मिलता है ये जो आप लोग इस तरीके का बोर्ड लेंगे तो यहाँ पे आप लोग को 799 रुपये पे करने होंगे, और ये वाला इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे आप लोग को 79 रुपये का जो है पे करने होंगे। तो यहाँ पे आप लोग को जो भी बोर्ड चाहिए वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे आप लोग का बोर्ड यहाँ पे आपके एड्रेस पे पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है गाइस, तो अभी मैंने आप लोग को बता दिया है कि आप लोग पेटीएम बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग अपना पेटीएम बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्यूआर कोड आ रहा है, यहाँ पे आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करवा के आप लोग अपने कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग यहाँ पे जान चुके होंगे कि पेटीएम बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। गाइस, अगर आप लोग को पेटीएम बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ जाती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आप लोग को वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। सो गाइस, अभी फिलहाल के लिए बस नहीं, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।